हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। सलमान खान योर मोस्ट वांटेड भाई। देखो यार, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में, जो सलमान खान को बहुत पसंद करते हैं। और सलमान खान का एक अपना चार्म है कि कोई भी इंसान को फर्स्ट टाइम देख लेना तो वो उनकी मूवीज़ का और उनका दीवाना बन जाता है। और लिटरली 10 में से 8 लोग मेरी ये बात से सहमत हो गए, बाकी जो 2 लोग हैं वो हेटर्स है। तो हेटर्स तो हर किसी के होते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर सलमान खान की बस तारीफ़ करना नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं, सलमान खान मेरे चाचा का बेटा नहीं है जो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। लेकिन अब यूट्यूब में जो घू चल रहा है, जो यूट्यूब में एक अलग भेड़ चाल चल रही है, उस पर यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गिरगिट मैडम है, जो चाहे उसको आप लोग बोल सकते हो, यार आप सलमान खान को गाली देते हो और सलमान खान के नाम पर व्यूज़ भी कमाते हो, मतलब यार ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। और अब इसको देखते हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ अब गलत डायरेक्शन में जा रही है। देखो यार, हर चीज़ की एक अपनी लिमिट होती है। अब फॉर एग्जांपल द लास्ट आवर ये सीरीज़ रिलीज़ हुई, तो मैडम ने वहाँ पे लिखी सलमान खान कुछ सीखो। यार क्यों सीखो, ये सीरीज़ किधर और सलमान खान की मूवीज़ किधर? और सलमान खान जिसने इंडस्ट्री में 30 साल दिया, यहाँ पर सिर्फ बात सलमान खान की नहीं, यहाँ पर वो हर एक्टर्स की है जिन्होंने 25 से 30 साल 40 साल इंडस्ट्री में दिया। और कल क्या है, यूट्यूबर्स लौंडे लौंडिया ये सिखाएंगे कि सलमान खान सीखो। भाई अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्स के लिए आप किसी की इमेज को इस लेवल तक गिरा दोगे तो मतलब आपसे बड़ा घटिया इंसान तो दुनिया में कोई नहीं है। देखो यार, मैं यहाँ पे किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उस चीज़ पे मैं आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार बस करो, ख़त्म करो यार। मतलब एक बंदे की मूवी आ गई, वो अच्छी नहीं, हमने उस पर उसको क्रिटिसाइज़ किया, जो कि हमारा हक बनता है, चलो ठीक है, हमको पसंद नहीं आई। लेकिन अब उसी चीज़ को और उसी बंदे को लेकर हम लोग दूसरी जगह पर भी खींचे जहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है। द लास्ट आवर सीरीज़ में सलमान खान का क्या लेना देना है? और लास्ट आवर सीरीज़ का रिव्यू वो आंटी से पहले मैंने किया हो, मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्ट वे में बताऊँ, जो कि मैंने उस वीडियो में बताई है कि यूनिकनेस है उसके कॉन्टेंट में, उसकी स्टोरी अलग है हट के, लेकिन 5 एपिसोड के बाद चीज़ों को स्लोली स्लोली आगे बढ़ाया, ऐसा लगता है कि ड्रैग हो रही है। ये बात आप लोग मेरे उस वीडियो में भी चेकआउट करो, तो वो सीरीज़ भी एकदम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखने में मज़ा आती है। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ का या कोई भी सीरीज़ का एग्जांपल लेके किसी बड़े स्टार की इमेज को ख़राब करो, तो मतलब वो साफ समझ में आता है कि आप बस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं। और जो चूतिया ऑडियंस है जो इन जैसे झाटुओं को फॉलो करती, तो मैं उनको इतना बोलूँगा कि यार अपना दिमाग लगाओ, ये लोग सिर्फ है ना, ये तुम्हारे सगे नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे, तुम्हारे जो हेट है उस हेट को और बढ़ा रहे ताकि इनके व्यूज़ और इनको पैसा कमाने का मौका मिले। बाकी ये लोग कुछ सही राह नहीं दिखा रहे आपको। और अगर किसी की मूवी आपको पसंद नहीं आती तो आपका हक बनता है भाई, बोलो बिंदास, लेकिन अननेसेसरी का उसको हर एक चीज़ों में ड्रैग करो, वो चीज़ गलत है। और ये मैडम ने ये जो ट्रेंड शुरू किया है वो दूसरे चूतिया यूट्यूबर्स भी फॉलो कर रहे हैं, सलमान खान सीखो, सलमान खान शर्म करो। अबे तुम लोग शर्म करो, जो बंदा इंडस्ट्री में 30 साल दिया है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया, जो लोगों की मदद करता, चलो लोगों की मदद नहीं भी करता है, तो यार 30 साल वाले बंदों को तुम लोग सिखाओगे, कल क्या है वो चूत वाले लोग। मैं भी अगर हूँगा तो मैं भी ये बोलूँगा यार मुझे भी यूट्यूब में 2.5 साल हुआ और मैं कौन होता हूँ किसी को सिखाने वाला। हम उनकी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो भी इस तरह से कि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को बता रहे हैं, यानी कि हमको उस चीज़ को भी क्लियरली बताना है कि हमको ये क्यों पसंद नहीं आई, इसकी वजह क्या है, तब जाके तुम एक अच्छे यूट्यूबर एक अच्छे रिव्यूअर बनोगे। हाँ यार, फालतू में बैठ के किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, फालतू को बुराई करना है व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए, तो यार वो मैडम को इतना बोलूँगा कि जो उखाड़ना है मैडम उखाड़ लो, तुम्हारे जितने भी हिमायती अपनी माँ बहन एक जो गिनना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट्स के आके कि नहीं, मैं बस इतना बोलूँगा यार ये ट्रेंड ख़त्म कर दो कि किसी को भी किसी भी मूवीज़ और उसमें मत खींचो। सीरियसली अगर आपको एज ए रिव्यूअर बोलना है बोलो, लेकिन जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर सेंस बनता है वहाँ पर करो यार, हगो मत फालतू का। और फालतू में जो रिव्यूअर कम्युनिटी है उसको ख़राब मत करो, वरना तुम जैसे गंदी मच्छी की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं किसी के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं आपको इतना ही बोलूँगा हेट मत फैलाओ, अपना अपना काम करो लेकिन अच्छी तरह से करो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।